दोस्तों मैं प्रशांत 23 अगस्त को आज आपके साथ शिमला का रेनी वेदर अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। आप बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि अभी आजकल हिमाचल में और शिमला में क्या चल रहा है। आप अभी देख ही पा रहे होंगे यहाँ, और ये बारिश पिछले कल से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगातार बना हुआ है। काफ़ी भयानक बारिश हो रही है। जैसा पहले 12 से 14 अगस्त को हुआ था, तो कल 22 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ था, आज अभी 23 अगस्त है इस टाइम पे, और ये बारिश लगातार जारी है यहाँ पे, और अच्छी खासी मोटी वाली बारिश बोल सकते हैं। लगातार रात भर भी काफ़ी बारिश हुई है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे 2 दिनों के लिए पहले ही स्कूल को बंद कर दिया गया है, आज यानी कि 23 अगस्त और 24 अगस्त को। तो ये जो बारिश है काफ़ी डेंजरस, इसको पहले से ही मान के और एहतियातन शिमला के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है। लेकिन ऑफिस जाने वाले तो उनको तो जाना ही है ऑफिस। साथ ही साथ आपको पता ही है कि पिछले हफ्ते शिमला में कितनी प्राकृतिक आपदाएं आई थी, नेचुरल डिजास्टर हुए थे, काफ़ी सारे लैंडस्लाइड्स वगैरह हुए थे, काफ़ी सारे कैजुअल्टीज़ भी हुई थी, काफ़ी सारे लोग मलबे वगैरह में भी दब गए थे। तो सब सारे प्रॉब्लम्स तो शिमला में थे ही, उसके बीच ये बारिश होना ये अपने आप में सबको डरा रहा है, खौफ ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि पता नहीं अगर ये बारिश कल तक कंटिन्यू रहे तो फिर आगे क्या होगा। तो सारे लोग डरे हुए हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं भगवान से, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बारिश को अब बंद कर दें, और ताकि वापस वैसी बड़ी घटनाएँ शिमला में ना हो। तो दोस्तों अगर आप भी शिमला आना चाहते हैं तो आप वेदर अपडेट लेकर चले। काफ़ी हेवी रेनफॉल है और आप इस वीक अवॉइड कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स अगर आप चाहें तो आप वेदर अपडेट प्रॉपरली लें और उसको तभी चेक करके चलें, रिस्क कैलकुलेट कर लें, क्योंकि रास्ते भी काफ़ी भी ख़राब हैं। अभी विद इन शिमला सिटी भी देखें तो काफ़ी सारे रास्ते यहाँ पर बंद हैं, और साथ ही साथ अभी आप बैकग्राउंड पर देख पा रहे होंगे कितनी तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही है। तो ये बारिश लगातार बढ़ते जा रही है और लगातार 24 आवर्स से बारिश तो यहाँ पे हो ही रही है, अगले 24 आवर्स भी होने की पूरी संभावना है। तो आगे का आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित यात्रा करें, ईश्वर से यही कामना है कि बारिश जल्द से जल्द थम जाए ताकि वापस आप शिमला घूमने आ सकें और यहाँ के शिमला वासी भी जो हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें।